नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन आसाम। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर टू प्लेस इन 1825। पहला इंग्लिश और बर्मीज के बीच में जो युद्ध था वो हुआ था आपका 1825 को। आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द बर्मीज फ्रॉम आसाम यानबो ट्रीटी वाज साइंड ऑन 24 फरवरी 1826। यानी कि जब युद्ध हुआ इंग्लिश और बर्मीज के बीच में, उसके बाद इंग्लिश ने बर्मीज को आसाम से भगाया और 24 फरवरी 1826 को यानबो ट्रीटी जो था वो साइन हुआ यानबो में। इट रिजल्टेड इन द पोलिटिकल एनेक्सेशन ऑफ आसाम बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और 24 फरवरी 1826 में जब ट्रीटी साइन हुआ इंग्लिश और बर्मीज के बीच में, उसके बाद क्या हुआ, बर्मीज तो आसाम से चले गए लेकिन आसाम जो था वो ब्रिटिश के हाथों में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया। आफ्टर द सिपाही म्यूटिनी इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ऑन द बेसिस ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। और 1857 तक इंडिया जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, लेकिन 1858 से क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 यानी कि इंग्लैंड की क्वीन ने एक डिक्लेरेशन किया, जिसके चलते क्या हुआ, इंडिया जो था वो क्वीन के हाथों में चला गया। द पीरियड फ्रॉम 1826 टू 1858 इज नोन एज कंपनी राज इन आसाम। और समय जो 1826 से लेकर 1858 तक का था उसे आसाम में कंपनी राज कहा जाता है, क्योंकि 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना शुरू किया आफ्टर द ट्रीटी ऑफ यानबो, और 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुआ, और 1858 से क्या हुआ, इंडिया जो था वो ब्रिटिश क्वीन के हाथों में चला गया। तो 1826 से लेकर 1858 तक का जो समय था उसे कंपनी राज कहा जाता है आसाम में। The British annexation of Assam led to economic and political restructuring of the region. और जब ब्रिटिश के हाथों में आसाम चला गया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ का इकोनॉमिक और पोलिटिकल कंडीशन जो था टोटली चेंज हो गया। The introduction of English education had dual impact on Indian society. और ब्रिटिश ने आगे क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया आसाम में, लेकिन इसका क्या हुआ, इसका ड्यूअल इम्पैक्ट पड़ा। तो ड्यूअल इम्पैक्ट क्या है हम लोग आगे जाके देखेंगे। पहला था कि यहाँ के लोग जो थे एजुकेशन के थ्रू से अपना जो आपका जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको जानने लगे, और साथ ही क्या हुआ, एक देशभक्ति जो था लोगों में वो देखने को मिला, नेशनल अवेयरनेस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वगैरह देखने को मिला। लाइक इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेंस बिगेन टू स्टिर द पीपल ऑफ आसाम। 19th सेंचुरी खत्म होते होते आसाम के लोगों में भी वो डिससेटिस्फेक्शन ब्रिटिश के खिलाफ में देखने को मिला, जो कि इंडिया के बाकी राज्यों में भी देखने को मिल रही थी। आसाम के लोगों को भी समझ में आया कि ब्रिटिश रूल जो था वो जितना जल्द हो सके वो खत्म होना ही ठीक है। आसाम के लोग ब्रिटिश के जो रूल करने का तरीका था उसे खुश नहीं थे। ग्रेजुअली द वॉइस ऑफ डिसेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल found expression in the writings of several prominent personalities of the time, arousing feelings of nationalism in the region. और धीरे धीरे से जो ब्रिटिश के प्रति जो गुस्सा था, ब्रिटिश के प्रति जो डिससेटिस्फेक्शन था, वो अलग अलग राइटिंग्स के जरिए देखने को मिला। यानी कि बहुत सारे जो उस समय के प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, विख्यात पॉपुलर लोग जो थे, उन लोगों ने क्या करना शुरू किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत कुछ लिखना शुरू किया। Several socio-cultural organizations were formed to highlight the problems and aspirations of the common people. और उसके चलते क्या हुआ, आगे जाके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसके चलते क्या हुआ, उन ऑर्गेनाइजेशन ने आसाम के लोगों का जो दुख दर्द और जो प्रॉब्लम था ब्रिटिश के चलते, उसको हाईलाइट करने का कोशिश किया। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं आपने इस टॉपिक को समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।